नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। दिल्ली में अपना वजूद खत्म होते देख राकेश टिकैत ने ऐसी बयानबाजी की है कि वो भाजपा पर निशाना साधते साधते अपने ही बयानों में फंस गए। और सबसे निंदनीय बात तो ये रही कि टिकैत ने रोहिंग्याओं की मौसी ममता बनर्जी को अंग्रेजों से आजादी दिलवाने वाली झांसी की रानी तक करार कर दिया। टिकैत की आलोचना भरी ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले करीब 4 महीनों से टकराव जारी है। इस बीच अब इन संगठनों ने केंद्र पर दबाव बनाने का नया तरीका निकाला है। किसान नेताओं ने उन सभी राज्यों में जाने का निर्णय लिया है जहां अप्रैल मई के बीच चुनाव होने हैं। किसान संगठन इन राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी आयोजित कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद भी पश्चिम बंगाल जाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने खुद ऐलान किया कि वो 13 तारीख को कोलकाता रवाना होंगे। इस दौरान टिकैत नंदीग्राम का भी दौरा करेंगे। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने अपने चुनावी राज्य के दौरे पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम नंदीग्राम जाएंगे और कोलकाता में 2 सार्वजनिक मीटिंग है, वहां जाएंगे। टिकैत ने आगे बताया कि हम वहां किसानों से पूछेंगे कि वहां उनकी धान की फसल के रेट कितने हैं, MSP मिल रही है या नहीं। हमें चुनाव नहीं लड़ना, चूंकि सारे नेता वही जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। टिकैत के इस बयान ने साफ कर दिया कि उन्हें जब दिल्ली में कोई भाव नहीं दे रहा तो उन्होंने किसानों के सर पर बंगाल में राजनीति चमकाने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, जो अपनी चोट को अब एक्सीडेंट करार दे चुकी है, उसकी चोट पर अब राकेश टिकैत ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, सुना है वहाँ उनके चोट मार दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह एक औरत है, ये महिला दिवस मना रहे हैं, एक महिला वहाँ पर मोर्चा संभाल रही है, उसी को चोट मारकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। टिकैत ने आगे कहा कि दीदी की चोट से पूरे देश को चोट लगी है, झांसी की रानी अकेले लड़ रही है, उसको घेरोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों किसी को चोट मारो, क्यों किसी को घायल करो। कमाल की बात है, टिकैत ने दीदी की झांसी की रानी से तुलना कर दी, उस झांसी की रानी से जिसने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन राकेश टिकैत अपने ओवर कॉन्फिडेंस में शायद ये भूल गए कि ममता दीदी तो रोहिंग्याओं को भारत में शरण देती है। देखा जाए तो झांसी की रानी की ममता बनर्जी से तुलना कर टिकैत ने झांसी की रानी को शर्मसार किया है। टिकैत का ये किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन कम और राजनीतिक एजेंडा ज्यादा लग रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टिकैत के बयानों ने खुद इसका खुलासा किया है। टिकैत ने कहा कि हम वहां भाजपा के लिए वोट तो मांगने जा नहीं रहे, अगर कोई वोट की बात आएगी तो हम कहेंगे कि इसको वोट ना दो, किसी और को देख लो भाई, ये तो जरूर कहना पड़ेगा कि भाजपा को छोड़कर कहीं दे देना, हम भाजपा के लिए तो वोट मांगेंगे नहीं। गौर करने वाली बात ये है कि टिकैत अपने बयानों में खुद ही उलझ गए। उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि अपने पिछले बयान में उन्होंने कहा था कि वो बंगाल राजनीति करने नहीं जा रहे और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कहा कि वो भाजपा के खिलाफ अभियान करेंगे। इस सब से आपको राकेश टिकैत का दोहरा चरित्र तो समझ आ ही गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।